All right, dear students. So welcome back to the second session. And in the second session, we are going to do the comprehension. All right. So first of all, मैं आपको बताऊंगा कि आपने comprehension का question जो है वो किस तरीके से करना है. और उसके बाद I will be showing you the rubrics. ठीक है. Rubric basically वो criteria है. ताकि हम जो है वो एक तसल्ली के साथ हम ये लेक्चर ले रहे हैं. और उसके बाद जब आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो आप चैटिंग के अंदर भी मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आपको माइक ओपन करना हो तो आप मुझे चैट में बताइएगा, तो फिर आई अलाउ यू टू ओपन द माइक एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. अच्छा, अब कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से ना, और इवन हर क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको साथ ही साथ जो है वो कॉन्सेप्ट भी देता जाऊंगा कि आपने इसको किस तरह से करना है. और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आई विल बी शोइंग यू द यू नो द रूब्रिक्स. रूब्रिक इज बेसिकली दैट क्राइटेरिया जिसको यूज करते हुए, जिसको फॉलो करते हुए फेडरल बोर्ड जो है वो आपके पेपर्स को चेक करता है कि किस क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिलेंगे. ठीक है. ये आपको फेडरल बोर्ड का जो क्राइटेरिया है रूब्रिक्स का, उसके जरिए आपको पता चलेगा. और उसके जरिए आपको ये पता चलेगा कि आप किस क्वेश्चन में पूरे नंबर लेने के लिए आपको क्या क्या करना है. व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स. ठीक है. तो कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन का सिनेरियो क्या होता है. तो सिनेरियो बेटा ये होता है कि आपको एक पैसेज दिया गया होता है जो कि 2 to 3 पैराग्राफ्स का होता है, और उसकी जो टोटल लेंथ है दैट वुड बी अराउंड 20 सेंटेंसेस. और समरी को, जैसे मैंने आपको पहले टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में बताया कि यू कांट गिव मोर देन 20 मिनट्स. ठीक है. अब यू हैव टू डू द 5 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड समरी, एंड यू हैव टू डू ऑल दैट इन 40 मिनट्स. सो दिस मीन्स कि इन 40 मिनट्स आपने पैसेज भी पढ़ना है और आपने आंसर्स जो है उनको बनाना भी है और उनको आपने लिखना भी है. सो दैट इज द रियल लाइफ सिनेरियो. And that passage can be from first year KPK book, or that can be from the Balochistan book as well. Or in दोनों से हट के भी वो passage आ सकता है. ठीक है. अच्छा, अब passage अगर आपको, let's suppose मैं आपको passage बता भी दूँ ना कि अच्छा ये passages important हैं, तो उसमें से question examiner क्या पूछेगा ये हम कुछ नहीं कह सकते कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे और वो क्या क्वेश्चन पूछे. सो बेटा बात ये है कि पहले तो ये होता था ना कि आपको चैप्टर्स होते थे और हर चैप्टर के आखिर में कुछ क्वेश्चन दिए गए होते थे. आप उन क्वेश्चन को सिंपली रट्टा लगा लेते थे, उनको आप याद कर लेते थे, और पेपर में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता था उसमें उसने कुछ क्वेश्चन दिए गए होते थे, आपने उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लिखने होते थे. अब ये होगा कि अब चीजें आसान भी हैं और मुश्किल भी हैं. आसान इस तरह से है कि आपको एक पैसेज दिया गया होगा, उस पैसेज के अंदर से आपने क्वेश्चन ढूंढने हैं. मुश्किल इसलिए है कि आपको हर क्वेश्चन की नेचर को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका आंसर लिखना होगा. ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अच्छा, अब सबसे पहले हम जो है वो जनरल टिप्स की बात कर लेते हैं कि आपने जो कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन है उसको आपने कौन 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 से तरीके को फॉलो करते हुए, किस तरीके को फॉलो करते हुए आपने कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन करना है. तो बेटा सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि आपने, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं वो उस पैसेज को पढ़ने बैठ जाते हैं. आपने पहले पैसेज को नहीं पढ़ना, आपने पहले जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने रीड करना है. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, पैसेज क्वेश्चंस जो है ना, पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने पहले पढ़ना है, और उसके बाद यू हैव टू गो फॉर द पैसेज रीडिंग. ठीक है. तो पैसेज को के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने पहले क्यों पढ़ना है? व्हाई यू शुड बी रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट, बिकॉज इट्स लाइक नोइंग द साइज एंड लुकिंग फॉर द शू इन द रैग. कि अगर आप एक जूता लेने जा रहे हैं, अगर आपको जूते का साइज पहले पता है तो आपको यहाँ पे 1000 जूता भी लगा हुआ ना, तो आपको उसमें से अपने साइज का जूता ढूंढने में आपको आसानी होती है. तो बेटा इसी तरीके से अगर आपको जो है वो क्वेश्चन पहले पता हो, क्वेश्चन अगर आपको पहले पता होगा तो उसके बाद जब आप उस क्वेश्चन को लेके आप पैसेज में जाएंगे तो आपको उसका आंसर फौरन से मिल जाएगा कि अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा है तो इसका ये आंसर है. बात समझ आ रही है ना? तो लेकिन अगर आप पहले पैसेज को पढ़ेंगे आपको पता ही नहीं होगा कि आप पढ़ क्यों रहे हैं. आपका पर्पस तो है ना कि यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन आपको पता नहीं है, पैसेज आप पढ़ी जा रहे हैं, तो वो आपको अपना वक्त जाया करेंगे. पहले क्वेश्चंस को रीड करें,
बेशक आप सारे क्वेश्चन को रीड कर लें या बेशक क्वेश्चन नंबर वन को रीड करें उसको ढूंढें। क्वेश्चन नंबर वन तो आपका समरी का ना, वो तो आपको पता है कि आपने समरी लिखनी है, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है उसमें से बेशक क्वेश्चन नंबर टू जो है उसको पहले रीड करें, रीड करके फिर उसके बाद जाकर उसको पेपर में ढूंढें। क्वेश्चन नंबर थ्री को रीड करें, उसको जाकर ढूंढें, या पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लें और फिर उसके बाद आप उसको पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करें। अब जो समरी वाला क्वेश्चन है ना, दैट यू हैव टू राइट एट द एंड। समरी जो आप, वैसे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज समरी राइटिंग और गिविंग अ टाइटल, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट में नहीं करना है, इसको आपने एंड में करना है। एंड में करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो पेपर दिया गया है उस पेपर के आपने आखिर में लिखना है, उस पेपर में तो जो उसकी जगह बनी हुई है उसी के ऊपर ही आपने उसको अटेम्प्ट करना है। पेपर के अंदर जो उसकी जगह बनी हुई है उसमें आपको, आपने उसको उतर ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपने इसको करना लास्ट में, पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद आपने समरी जो है वो लिखनी है। Because what is the logic behind that? Because while looking for the short answers, you will become familiar with the passage like the palm of your hand. क्योंकि बार 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 जब उस आपने क्वेश्चन नंबर टू का आंसर ढूंढा, उस ढूंढने के लिए आपने पैसेज को पढ़ा, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर ढूंढने के लिए आपने पैसेज को पढ़ा, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर ढूंढने के लिए आपने पैसेज को पढ़ा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर ढूंढने के लिए आपने पैसेज को पढ़ा, सेवन का ढूंढने के लिए आपने पैसेज को पढ़ा, तो बेटा जब आप छह सात दफा उस पैसेज को पढ़ोगे ना, तो उसके बाद आपको समरी के लिए उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो पैसेज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इट विल टेल यू वट एग्जैक्टली यू हैव टू राइट इन द समरी। आपको समरी जो है वो उसका मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको पैसेज अच्छे तरीके से क्या आ जाएगा समझ आ जाएगा बार बार उसको पढ़ने के बाद। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले मैं आपको जो समरी की टिप्स हैं वो बता देता हूँ, और या सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको समरी की तरफ लेके चलता हूँ। अब बेटा जो आपको वहां पे एक पेपर में क्वेश्चन पूछे गए होंगे ना, वो तीन तरह के क्वेश्चन होंगे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ना, उनका जो मटेरियल होगा ना, उनका जो आंसर होगा वो टेक्स्ट के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, जो आपको टेक्स्ट दिया गया ना उसके अंदर आप मौजूद होगा, आपने उसको थोड़ा सा गार्निश करना है, मतलब थोड़ा सा उसको अपने अल्फाज में तब्दील करना है और उसके बाद आपने उसको लिख देना है। ठीक है, और जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के होते हैं और किस तरह से आपने उनको उनका आंसर जो है वो पैसेज में से फाइंड आउट करना होता है। जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनका जो डेटा होगा वो आएगा आपके ब्रेन से। ठीक है, आपने उस क्वेश्चन के हवाले से सोचना है बैठ के, फिर उसके बाद आपने अपने आंसर को, जिस तरह खाना नहीं बनाते आपके, सब्जियां ले आते हैं और सब्जियों से फिर आप या चीजें ले आते हैं और उनको आप फिर कुक करते हैं और फिर उसके बाद उससे एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है, तो आपको टेक्स्ट में से ना कुछ छोटे छोटे हिंट्स मिल रहे होंगे आंसर के लिए। पूरा आंसर आपको नहीं मिलेगा, थोड़े थोड़े हिंट्स मिलेंगे, उन हिंट्स को आपने अपने दिमाग में कुक करना है और उसके बाद आपने आंसर जो है उसको बनाना है। उसके बाद नंबर थ्री है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसके, ये वो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा जिसका जवाब सिरे से, मतलब जो जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका तो कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई इशारा टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनका सिरे से कोई निशान ही नहीं होगा, कोई चीज भी आपको टेक्स्ट के अंदर से नहीं मिलेगी, बल्कि आपने अपनी ऑब्जर्वेशन, आपका जो अपना पर्सनल नॉलेज है उसकी बेस पर आपने जो है इनको, इस तरह के क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए टिप्स। अभी जब मैं आपको समरी की टिप्स बता दूंगा तो उसके बाद मैं आपके सामने एक सैंपल पेपर खोलूंगा, उसमें हम लोग मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से आपने क्वेश्चंस को रीड करना है, इस तरह से आपने फिर पैसेज को पढ़ना है और इस तरह से आपने पैसेज में से क्वेश्चन आंसर्स को ढूंढना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं समरी की तरफ। तो समरी आपने क्या करनी है, जैसे ही आप शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लेंगे तो यू हैव टू क्विकली री रीड द पैसेज। उसके बाद यू हैव टू पिक वन और एट बेस्ट टू वर्ड्स फ्रॉम ईच लाइन, हर लाइन में से आपने दो तीन, एक या दो वर्ड्स आपने उठाने हैं और उसके बाद आपने तीन लाइंस जो हैं उनको रैप करके आपने एक लाइन में लिख देना है यूजिंग दैट कीवर्ड्स। जो आपने हर लाइन में से एक एक दो दो कीवर्ड्स निकाले होंगे ना, उनको यूज करते हुए आप क्या करेंगे, आप दो तीन जो कीवर्ड्स हैं, यानी हर लाइन में से आपने दो दो कीवर्ड्स निकाले तो तीन लाइनों में से आपके पास छह कीवर्ड्स आ गए, उन छह कीवर्ड्स को यूज करते हुए आप एक लाइन बना दें, तो इससे क्या होगा कि आप समरी की तरफ आते जाएंगे, आप समराइज करते आएंगे चीजों को, और सेंटेंसेस को लिंक करने के लिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज करें। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू लिव इन द सेम एज। टाइम ट्रैवलिंग आपने नहीं करनी कि पास्ट से प्रेजेंट में जा रहे हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर में आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस से आप जो है वो परफेक्ट में जा रहे हैं, मतलब वो एक ना ऐसा लग रहा होता है कि जैसे स्टूडेंट जो है ना उसने पेपर को ना वो एक कोई टाइम टाइम मशीन बनाया हुआ है, वो उससे एक टाइम उसमें मैनेज ही नहीं हो रहा होता। तो आपने बेटा टाइम ट्रैवलिंग नहीं करनी। एंड
then the important thing is that you don't have to include your own thoughts, okay, your own interpretations or your own conclusions. टेक्स्ट का एनालिसिस करने मत बैठ जाएं, उसका तजिया करने बैठ जाएं, मत बैठ जाएं, बिकॉज यू आर राइटिंग अ समरी नॉट एन एनालिसिस. आपको एनालिसिस लिखने के लिए नहीं कहा गया, आपको उसकी समरी लिखने के लिए कहा गया. और समरी क्या होता है? समरी सिंपल जो 10 मिनट की बात है उसी बात को 2 मिनट में आपने बताना है. एनालिसिस ये होता है कि 1 मिनट की बात को घंटे में बताना, वो एनालिसिस कहलाता है. 10 मिनट की बात को 2 मिनट में बताना समरी कहलाता है. तो आप बेटा आपने उस जाहिर बात है जब आप एनालिसिस 1 मिनट की बात है या एक लाइन है तो उसको उसको जब आप घंटे में बताएंगे तो आप उसमें अपनी थॉट्स, अपनी इंटरप्रिटेशंस, अपने कंक्लूजन उसमें लेकर आएंगे. लेकिन समरी में आपने लंबी बात को छोटा करना है, तो उसमें आपने अपनी थॉट्स, अपने इंटरप्रिटेशंस, अपना जो कंक्लूजन है वो बेटा आपने उसमें नहीं लेकर आना. एंड इफ यू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द समरी, इट शुड बी बिटवीन यू नो बिटवीन 7 to 10 सिंपल सेंटेंसेस. बहुत ज्यादा आपको 50 पेजेस, 50 लाइंस या कोई 2 पेजेस लिखने की जरूरत नहीं है. 1 पेज आपको वहां पे पेपर में दिया गया होगा और उसमें आपने 7 to 10 सेंटेंसेस के अंदर, यानी कि 7 से 10 लाइनों के अंदर अंदर आपने उस समरी के क्वेश्चन को आपने लिख देना है, ठीक है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आप समरी लिख रहे होंगे, क्योंकि आप 4, 5, 6 दफा उस पैसेज को पहले पढ़ चुके होंगे, तो समरी लिखते हुए आपने पैसेज की तरफ नहीं देखना. While you are writing the summary, you don't have to look at the passage. आपने summary को खुद से लिखना है, क्योंकि आप 4, 5 दफा उसको पढ़ चुके हैं, तो अब आपने अपने अल्फाज में उसकी summary जो है उसको आपने लिखना है. अब मैं इस स्क्रीन को करूंगा स्टॉप, ठीक है, और मैं आपको लेके जाऊंगा एक पेपर पे. उस पेपर के ऊपर फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने चीजें जो है उनको किस तरीके से करना होता है, ठीक है. अच्छा, आई विल बी शेयरिंग अनदर स्क्रीन और उस पर फिर मैं आपको पेपर जो है वो दिखा के उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं, कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो आपके नॉलेज बेस्ड हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड हैं. अच्छा, अब देखें, जिस तरह मिसाल के तौर पर ये आपका एक सैंपल पेपर है जो फेडरल बोर्ड की तरफ से आपको दिया गया था, ठीक है, उसी पे ही हम ये सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं. इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स? यस, इज द स्क्रीन विजिबल? प्लीज कंफर्म. ओके, ऑल राइट, सो द स्क्रीन इज विजिबल एंड माई वॉइस इज ऑल्सो क्लियर. Are you facing any kind of difficulty in understanding me? मेरी बात समझ आ रही है ना अच्छे तरीके से? ओके उमर, थैंक यू. ऑल राइट, थैंक यू सो मच हसीब. ऑल राइट, सो अब आपके सामने लेट सपोज कि आप पेपर में बैठे हुए और आपके सामने ना ये क्वेश्चन आ गया. अब आप क्या करेंगे? आप पैसेज को नहीं पढ़ने बैठ जाएंगे, आप सबसे पहले जाएंगे कि what is the first question? First question is that what is the significance of change in real life? अच्छा, अब व्हाट, व्हाई, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज्यादातर होते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. और ये जो होते हैं ना एक्सप्लेन, हाउ, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके बेसिकली होते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन. अब आपको उसने पहला पूछा है कि व्हाट इज द, एक क्विकली क्वेश्चन को रीड कर लें. पहला क्वेश्चन है जी, अब ये मिसाल के तौर पर मैं पेपर में बैठा हुआ हूं और मैं पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो मैं किस तरह से करूंगा? सबसे पहले मैं इस पैसेज को छोड़ के मैं आ जाऊंगा क्वेश्चंस को. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज इन रियल लाइफ, व्हाई इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट योर नीड्स एंड यू वांट्स बिफोर डिसाइडिंग. अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर लूंगा, ठीक है, पेपर के ऊपर ही इसको अंडरलाइन कर लूंगा. व्हाई इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट योर नीड्स एंड वांट्स बिफोर डिसाइडिंग ऑन अ प्रोफेशन. तो नेसेसरी टू नो अबाउट योर नीड्स, ठीक है, why it is necessary to know about your needs, और इसमें ये कि before deciding on a profession. तो अब इसमें क्या है, दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है. वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि करियर को डिसाइड करने से पहले अपनी नीड्स को जानना क्यों जरूरी है. अच्छा, एक्सप्लेन why it is important to identify your interests, ठीक है. अब यहाँ पे ये है कि इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो नीड्स के मुतालिक है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है, इंटरेस्ट के मुतालिक है. उसके बाद व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर जॉइनिंग अ स्पेसिफिक प्रोफेशन, तो उसने एक रिक्वायरमेंट्स के हवाले से ये क्वेश्चन पूछा है. एंड हाउ कैन इट बी बेनिफिशियल टू गैदर एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स. अच्छा, अब देखें, बेनिफिशियल टू एडवाइस, टू गैदर एडवाइस, तो मतलब जो एडवाइस है उसकी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. और उसके बाद ये है कि राइट द अंडरलाइंग मैसेज कन्वेड थ्रू द पैसेज,
अब इसमें यह है कि जो ऊपर उसने समरी में आपसे बात पूछी है, वही बात वो आपसे, वही चीज आपसे वो यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बात जो आप यहाँ पे 7 नंबर में लिख रहे हैं, वही बात क्या आप जो इसका मैसेज है वो आप यहाँ पे कन्वे कर सकते हैं। सो दिस मीन्स कि ओवरऑल क्रॉक्स क्या है, इस पूरे पैसेज का जो थीम है वो क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, अंडरलाइंग मैसेज क्या होता है, अंडरलाइंग मैसेज बेसिकली होता है आपका सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया भी उसने आपसे पूछ लिया, और उसके बाद उसने कुछ अंडरलाइन किए हुए मीनिंग्स, ठीक है, उनका आपने डिड्यूस मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी वो आपसे डिक्शनरी मीनिंग्स नहीं पूछ रहा, डिक्शनरी मीनिंग्स आपसे नहीं पूछ रहा, वो ये आपसे पूछ रहा है कि कॉन्टेक्स्टुअल मीनिंग क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में इनका क्या मीनिंग है। तो आपको ये चीज यहाँ पे समझ लेनी चाहिए कि जो आपने मीनिंग्स लिखने हैं वो आपने डिक्शनरी मीनिंग्स नहीं लिखने, बल्कि उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसका मीनिंग क्या है वो लिखना है। तो अब आप क्या करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप ये करें कि ये जो क्वेश्चन है ना ये मैं करूंगा सबसे लास्ट में, ठीक है, ये सबसे लास्ट में करूंगा ताकि कॉन्टेक्स्ट से मुझे हर वर्ड का मीनिंग समझ आ जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि आपको सिग्निफिकेंस देखनी है, आपने नीड्स की इंपॉर्टेंस देखनी है, इंटरेस्ट की इंपॉर्टेंस देखनी है, जॉब रिक्वायरमेंट्स देखनी है, और आपने जो दोस्तों से जो बेनिफिट जो एडवाइस दी जाती है उसका क्या बेनिफिट होता है। तो ये आपको चीजें पता चल गई कि आपने इसमें क्या ढूंढना है। चलें जी, क्वेश्चन हो गया क्लियर, नाउ इज द टाइम टू रीड द पैसेज। अच्छा, इट शुड हाउएवर बी केप्ट इन माइंड दैट नथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज, एवरीबॉडी चेंजेस एज डू आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, समथिंग वी लव डूइंग 2 years अगो मे नाउ गिव अस डिसप्लेजर, ऑलवेज टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू फील मोस्ट स्ट्रांगली अबाउट, मेक अ लिस्ट ऑफ योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नीड्स एंड वॉन्ट्स, रिफ्लेक्ट ऑन योर करंट पाथ, इफ योर जॉब एंड करियर फॉल अंडर लाइक यू नो दैट यू आर स्टिल ऑन द राइट पाथ। अब ये यहाँ से बता रहे हैं कि आपके जो इंटरेस्ट होते हैं उनका क्या होता है, आपके प्रोफेशन के साथ क्या होता है, क्या लिंक होता है। अब यहाँ पे देखें ना कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज इन रियल लाइफ, चेंज का रियल लाइफ में क्या रोल होता है, ये आपको स्टार्ट में इसका आंसर पड़ा हुआ है, ठीक है, कि चेंज जो है, चेंज इज समथिंग दैट इज हैपनिंग ऑल द टाइम्स एंड एवरीथिंग चेंजेस एज डू आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, समथिंग वी लव डूइंग 2 years अगो मे नाउ गिव अस डिसप्लेजर, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। तो आप देखें ना कि ये पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको फर्स्ट में ही मिल गया, फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था दैट वाज कि व्हाट इज नेसेसरी टू नो अबाउट योर नीड्स एंड वांट्स, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को जानना क्यों जरूरी होता है। उसके बाद आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड योर इंटरेस्ट, या यहाँ पे ये आ गया कि आपको ये इसी के अंदर ही आपकी नीड्स और इंटरेस्ट दोनों के अंदर दोनों का आंसर जो है वो आपको यहीं से बनाना है। अब यहाँ पे वो चीज आ गई कि ये वाला जो क्वेश्चन है नीड्स वाला और इंटरेस्ट वाला, दोनों का आंसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, दोनों के सिर्फ क्या है, यहाँ पे हिंट्स मौजूद है। तो आपको क्या करना है, सो दिस मीन्स के आपको इसका जो आंसर है वो अंडरस्टैंडिंग की बेस पर लिखना है। हिंट उसने आपको दे दिए लेकिन उसने आपको फुल फ्लेज आंसर जो है वो नहीं दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अ स्पेसिफिक प्रोफेशन, तो अब ये यहाँ पे उसने दिया है कि जब आप अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पे उसने एग्जांपल दी कि आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड योर इंटरेस्ट सर्च फॉर ऑक्यूपेशंस, इफ यू लाइक चिल्ड्रन और रीडिंग, एक्सप्लोर अ करियर इन अर्ली पाथ्स। अच्छा, अब ये सारा का सारा जो पैसेज है ना ये वाला, ये इसका आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना ज्यादा इसका रोल नहीं है। सिर्फ इसमें इस पूरे पैसेज में क्या है, इस पूरे पैसेज में ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसमें आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इस पैसेज में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लेकिन जो लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें उसने आपको वर्ड अंडरलाइन करके दिए हुए और आपने आपको उसने कहा है कि इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखें, तो बेटा ये वाला जो पैराग्राफ है ना इसमें आपके किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इसमें सिर्फ आपने ये करना है कि इसको पढ़ना है और इस कॉन्टेक्स्ट में इन 3ों वर्ड्स जो है इनके आपने आंसर इनके मीनिंग ढूंढने हैं बस, और इसमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। बाकी जो आपके क्वेश्चन के आंसर है ना वो नीचे पड़े हुए, ठीक है, कि नाउ दैट यू हैव फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक करियर बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आइडेंटिफाई द एजुकेशन नॉलेज एंड स्किल्स इट रिक्वायर्स, यहाँ पे उसने आपसे पूछा है ना कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अ स्पेसिफिक प्रोफेशन, तो रिक्वायरमेंट्स क्या है वो यहाँ पे वो बता रहा है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एजुकेशन नॉलेज एंड स्किल्स दैट इट रिक्वायर्स, ये है इसका आंसर, ठीक है। अब उसको फिर उसने आगे क्या किया हुआ, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन को क्या करेंगे, आप इसकी ये सारी की सारी इसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है।
अब आप इसको अपने अल्फाज में लिखेंगे, आपने ये नहीं करना कि आप यहां से उठा के तो यहां तक सारा का सारा पैसे जो है वहां पे छापा मार दें, नहीं, आपने इसको अपने अल्फाज में अंडर, आपको आपने फाइंड आउट कर लिया कि दिस इज द आंसर, नाउ यू हैव टू राइट इट इन योर ऑन वर्ड्स, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अच्छा, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट इज हाउ कैन इट बी बेनिफिशियल टू गैदर एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स. अब इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा नीचे, ठीक है, कि यहाँ से सम करियर में हैव स्टार्टेड, सम फील्ड्स रिक्वायर दिस, सम फील्ड्स रिक्वायर दैट. अच्छा, इफ यू वांट टू बी इंजीनियर, सो सो सो, ये सारी चीजें. अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज वर्थ नोटिसिंग दैट यू शुड कंसीडर फैक्टर्स बियॉन्ड पर्सनल प्रेफरेंसेस. व्हाट इज द करंट डिमांड फॉर द फील्ड दैट यू हैव चोजन? इफ यू इफ द गैदर्ड डिमांड इज लो और एंट्री इज डिफिकल्ट, आर यू कंफर्टेबल विद रिस्क? गैदर एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स, कॉलीग्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड ऑल्सो इंटरेक्ट विद दोज हु आर ऑलरेडी इन द फील्ड. अच्छा, अब उसने आपको यहाँ पे ये कहा है कि आप अपने दोस्तों से इंफॉर्मेशन गैदर करो, ये उसने आपको बताया है, और नीचे आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा. आप देखें ना, ये दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. उसने आपको ये बताया है कि दोस्तों से एडवाइस लो, कॉलीग से एडवाइस लो, लेकिन उसने आपको ऊपर ये नहीं बताया कि इसका ये फायदा होगा. उसके बाद इस लाइन के बाद उसने क्या कर दिया है, उसके बाद उसने आपको एक और नसीहत की है और उसने पैसेज को एंड कर दिया है. लेकिन आपसे क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं कि भाई दोस्तों से एडवाइस लेने का फायदा क्या होगा. तो अब ये आपने अपने अकल को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है कि भाई अगर मैं दोस्तों से या फैमिली मेंबर से या कॉलीग से मैं अगर इंटरेक्ट एडवाइस लूंगा तो मैं किस उनसे उनसे मैं जाके क्या पूछूंगा. ऑब्वियसली आप उनसे जाके ये क्वेश्चंस पूछेंगे, ये क्वेश्चंस आप उनसे पूछेंगे कि जो फील्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि इसकी करंट डिमांड क्या है. अच्छा, अगर इसकी इसकी डिमांड लो है या इसमें एंट्री मुश्किल है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, यही चीजें आप जाकर उनसे पूछेंगे ना. तो अब आपको ये कैसे पता चला, आपने एक तो आपने अंडरस्टैंडिंग किया और फिर उसके बाद जो सिनेरियो था ना उसको आपने अप्लाई किया रियल लाइफ में कि अच्छा मुझे अगर अपने करियर के हवाले से जाके सरनेम से एडवाइस लेनी है या मुझे अपने किसी दोस्त से या अपने किसी मामू से या खालू से या किसी दूर के रिश्तेदार से जाके मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं क्या जाके पूछूंगा. ऑब्वियसली अगर आप मेरे पास आएंगे तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर डॉक्टर बनने का क्या फायदा है, डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे, यही क्वेश्चन आके आप मुझसे पूछेंगे ना, ठीक है. तो इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आपको रास्ता क्लियर हो जाएगा. बात समझ आ रही है बेटा कि नहीं समझ आ रही? तो आपने क्या करना है, आपने अपने कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद फिर आपने उसके आंसर्स को लिखना है. अच्छा, अब आपने अंडरस्टैंड तो कर लिया, आपको क्वेश्चंस का आपने वो सारा आपने पढ़ लिया, अच्छे तरीके से इसको समझ लिया. अब आपने क्या करना है, अब आपने आंसर्स लिखने हैं. अब आपके आंसर्स किस तरह के होने चाहिए, किस तरह का आपका जवाब होना चाहिए, इसके लिए आपको स्टडी करने हैं रूब्रिक्स, ठीक है. रूब्रिक्स को हम देखते हैं और उससे हम देखते हैं कि भाई हर क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो किस किस तरह का होना चाहिए. तो आई विल बी शोइंग यू द रूब्रिक्स, आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन. लेकिन उससे पहले मैं आपको पूछूंगा कि जो जो डिस्कशन मैंने किया कि आपको ये चीज समझ आई है कि नहीं आई, कुछ चीजें आपको क्लियर हुई हैं या नहीं हुई? यस, इज दैट ऑल क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. ओके, अब रूब्रिक का पता है ना, रूब्रिक क्या होते हैं, ये शुड आई एक्सप्लेन द रूब्रिक्स अगेन? ऑल राइट, सो प्लीज टेल मी इफ द स्क्रीन इज विजिबल. ओके, अब बेटा ये आपका है रूब्रिक, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था, फाइनल पेपर, ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट एनुअल का पेपर हुआ था उसका ये रूब्रिक है, ठीक है. अच्छा, अब इसमें ये सबसे पहले जो कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं. लेवल वन जो है ना इसमें ये होता है फुल मार्क्स का, ठीक है, और जो लेवल टू होता है ये होता है मतलब कम मार्क्स, लेवल थ्री ये लेवल्स हैं. अब मिसाल के तौर पर आपने टाइटल बनाना है ना, टाइटल, ठीक है, आपको कहा जाएगा कि समरी लिखें, समरी के 7 नंबर होंगे
और 7 नंबर के बाद 1 नंबर होगा टाइटल का। अब आपको 1 नंबर कब मिलेगा? इफ द टाइटल इज करेक्ट, यानी रेलेवेंट टू द जिस्ट ऑफ द गिवन पैसेज विद करेक्ट स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। क्या मतलब कि आपने जो टाइटल बनाया है, अगर वो जो गिवन पैसेज है उसका जो जिस्ट यानी कि उसका जो खुलासा है, अगर उसके अकॉर्डिंग है और उसके जो स्ट्रक्चर और मैकेनिक्स हैं, स्ट्रक्चर और मैकेनिक्स क्या होता है, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, अगर आपने उसमें पंक्चुएशन मार्क्स यूज किए, आपको कौन से वर्ड को कैपिटलाइज करना चाहिए था, कौन सा वर्ड आपका स्मॉल में होना चाहिए था, ठीक है। अगर जैसे मिसाल के तौर पर जो अभी हमने पैसेज पढ़ा है, तो उसका अगर टाइटल है आप लिखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ करियर काउंसलिंग, तो इंपॉर्टेंस का आई बड़ा होगा या छोटा होगा, ऑफ का ओ बड़ा होगा या छोटा होगा, करियर का सी छोटा होगा या बड़ा होगा, काउंसलिंग का सी छोटा होगा या बड़ा होगा, उसमें कोई कॉमा यूज होगा या नहीं होगा, फुल स्टॉप लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आप इन सारी चीजों का ख्याल रखेंगे तो पुत्र आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपका जो आंसर है वो रेलेवेंट तो है लेकिन इनकम्प्लीट है या उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो आपको आधा नंबर मिलेगा। और अगर आपका टाइटल रॉन्ग है या उसमें रेलेवेंट नहीं है गिवन पैसेज से, तो फिर आपको 0 नंबर मिलेगा। तो अब आपको समझ आ गई कि आपने टाइटल में 1 नंबर आपको कब मिलेगा, जब आप रेलेवेंट लिखेंगे और उसमें स्ट्रक्चर की मैकेनिक्स का आप ख्याल रखेंगे, यानी स्ट्रक्चर का जो मैकेनिज्म है, उसका जो सिस्टम है, उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, फिर आपको टाइटल के अंदर 1 नंबर मिलेगा। टाइटल के हवाले से बात क्लियर हो गई, आगे चलें। बेटा मुझे जल्दी से बताएं, अगर टाइटल के हवाले से बात क्लियर हो गई है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, आगे हम लोग चलते हैं जनाब आपके समरी की तरफ। समरी जो है ना, समरी, नो नॉट ऑल, नॉट जो आपके, यस आई विल टेल यू द हाउ टू राइट अ टाइटल नाउ, नो देर इज नो फुल स्टॉप, देर इज नो फुल स्टॉप, ओके आई एम गोइंग टू राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, आपका जो टाइटल है ना, टाइटल टाइटल, इसमें जो आपके है ना सॉरी जो प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स, उनसे हटके आपका हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ना, दैट शुड बी कैपिटल, ठीक है। जैसे ना मिसाल के तौर पर है ना, इंपॉर्टेंस का आई बड़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है, सी बड़ा, करियर काउंसलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ करियर काउंसलिंग, इस तरह से आप जो है वो लिखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ करियर काउंसलिंग, ऑफ का ओ छोटा, इंपॉर्टेंस का आई बड़ा, करियर का सी बड़ा और काउंसलिंग का सी बड़ा। सो दैट इज द टाइटल मैकेनिक्स, इसको हम बोलते हैं टाइटल मैकेनिक्स, कि आपको टाइटल किस तरह से लिखना होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर फर्स्ट लेटर है, जैसे ना मिसाल के तौर पर आपको किसी जगह पे द लिखना है, ठीक है, जैसे द ब्रेवरी ऑफ हजरत अली, अब आप लिखेंगे द ब्रेवरी ऑफ हजरत अली, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर यही द कहीं दरमियान में आ रहा है, तो फिर उसके बाद आप इसका टी छोटा लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू राइट द टाइटल। अच्छा, उसके बाद जो आपकी समरी है ना, समरी के हैं 7 नंबर्स। 7 नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है? 4 नंबर जो है वो है कंटेंट और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के, और 3 नंबर है ग्रामर के, यानी इसकी जो रूपरेख है ना वो इस तरह से है कि 4 नंबर आपको मिलेंगे उसके कंटेंट के और 3 नंबर आपको मिलेंगे किस चीज के, यूज ऑफ लैंग्वेज के, ठीक है। अच्छा, अब 4 में से 4 आपको कैसे मिलेंगे, यानी कि इसका मतलब है कि जो समरी का क्वेश्चन है उसके जो मार्क्स हैं वो डिवाइडेड है 2 हिस्सों में, 3 नंबर आपके वो ग्रामर में से देगा आपको आपकी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 4 नंबर आपको देगा कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे पहले जो कंटेंट है, समरी ऑफ द पैसेज, कंटेंट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके हैं 4 नंबर। कंटेंट और कंटेंट को ऑर्गेनाइज आपने किस तरह से किया, इसके 4 नंबर हैं। अच्छा, अगर तो एक्सीलेंट अटेम्प्ट है, सब्सटैंशियल एंड एक्सीलेंट अटेम्प्ट, अब एक्सीलेंट अटेम्प्ट क्या है कि टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट जनरेशन ऑफ द कॉन्टेंट विद एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिटिंग लॉजिकल ट्रांजिशन, जैसे मैंने वो अब आपको बताया ना समरी में कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज करें, सो टू द पॉइंट, टू द पॉइंट जनरेशन ऑफ द कॉन्टेंट
with excellent organization, exhibiting logical transition across the body of the summary, reflecting thorough grasp of the given text. अगर ये चीज आपकी समरी के अंदर होगी कि टू द पॉइंट आपने लिखा है, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया है, लॉजिकल ट्रांजिशन की है. लॉजिकल ट्रांजिशन होता है कि आप ट्रांजिशनल डिवाइस, फर्दर मोर, इन एडिशन, हैविंग सेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, इस तरह के आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेज यूज किए और आपने क्या किया, पूरे पैसेज की को रिफ्लेक्ट किया, तो आपको चार में से चार नंबर मिलेंगे. अगर आपका सस्टेनेबल यानी कि सफिशिएंट अटेम्प्ट है, यानी मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स को आपने कवर किया है लेकिन कुछ पैरामीटर्स को आप बीच में से स्किप कर गए, तो आपको तीन नंबर मिलेंगे. अगर लिमिटेड या मेडियोकर अटेम्प्ट है, यानी कवरिंग सम ऑफ द, सिर्फ आपने सम बहुत थोड़े से पैरामीटर्स को कवर किया है, काफी सारी चीजें ऐसी थी जो टेक्स्ट के अंदर मौजूद थी, आपने उनको नहीं जो है वो उसमें मेंशन किया, तो आपको दो नंबर मिलेंगे. और अगर सिर्फ नॉमिनल सी अटेम्प्ट है, यानी कि आपने एक दो पैरामीटर से मतलब ये कि उसमें कितनी बातें हो रही हैं. अब अगर मैं आपको जो पैसेज अभी हमने इंपॉर्टेंस ऑफ करियर के हवाले से पढ़ा, तो उसके अगर मैं आपको पैरामीटर बताऊं, तो देखें सिंपल सी बात है ना कि सबसे पहले उसमें किस चीज की बात हुई. सबसे पहले उसमें बात हुई कि आपकी जो 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 चेंज है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये उसका फर्स्ट पैरामीटर था. फिर उसके बाद आपकी नीड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सेकंड पैरामीटर है. थर्ड जो था वो ये था कि आपके इंटरेस्ट की क्या पैरामीटर इंपॉर्टेंस होती है. फिर उसके बाद उसमें था कि आपको जो है वो करियर की सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें आपको जरूरी होती हैं, ये उसका फोर्थ पैरामीटर था. फिर उसके बाद दोस्तों से मशवरा लेने का क्या फायदा होता है, ये उसका फिफ्थ पैरामीटर था. तो अब वो बेटा उसके पांच पैरामीटर्स हैं, यानी कि पांच उसमें उसने थॉट्स बताई हैं. तो आपको क्या करना है, आपको उन पांचों थॉट्स को क्या करना है, समरी का हिस्सा बनाना है. अगर आप उस आपने उनमें से पांच में से दो बातों का जिक्र किया, तीन का नहीं जिक्र किया, तो आपको चार में से चार नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो ये टू द पॉइंट हो और उसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपने प्रॉपर तरीके से यूज किए हुए हो और पूरे पैसेज का आपने रिफ्लेक्शन देना है, तो फिर आपको समरी के जो चार नंबर हैं कंटेंट के, उसमें से चार आउट ऑफ चार मिलेंगे. अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, समरी ऑफ द पैसेज और उसमें जो यूज ऑफ द लैंग्वेज है, यूज ऑफ द लैंग्वेज, एक्सप्रेशन एंड लेंथ, ये चीजें कि आपने लैंग्वेज किस तरह की यूज की, आपका एक्सप्रेशन किस तरह का था और आपने आपने लेंथ का कितना ख्याल करा. अच्छा, एन अटेम्प्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड लेक्सिकली, लेक्सिकल बोलते हैं वोकैबुलरी को, एन अटेम्प्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड लेक्सिकली करेक्ट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट विद द लेंथ नॉट एक्सीडिंग हाफ ऑफ द गिवन पैसेज. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने 50% जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के 50% से ज्यादा आपने नहीं जाना. बात समझ आ रही है कि आप अक्सर पूछते रहते हैं कि सर कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो वो आपको ये नहीं कह रहा कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए, वो आपको कह रहा है कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अब यहां से आप इस चीज को समझें कि वो आपको लंबा लिखने को नहीं कह रहा, वो आपको ये कह रहा है कि इससे ज्यादा आपकी लेंथ नहीं होनी चाहिए. तो अगर आपकी अटेम्प्ट जो है वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, ग्रामर भी ठीक है, वोकैबुलरी भी ठीक है, और उसकी जो लेंथ है, वो जो पैसेज दिया गया है उसकी लेंथ से के हाफ से ज्यादा नहीं है, मतलब अगर आपने हाफ से ज्यादा लिख दिया तो इसका मतलब है कि आपने उसी पैसेज को दोबारा लिखा है, आपने उसकी समरी नहीं लिखी. समरी का मतलब यह कि मैं बच्चों को ये बताता हूँ, 40-50% योर पैसेज शुड नॉट, योर समरी शुड नॉट बी लेस मोर देन 50% एंड लेस देन 40%. 40-50% में आपने टोटल टेक्स्ट का 40-50% लिखना होता है. ठीक है, तो इसमें फिर आपको मिल जाएंगे तीन तीन आउट ऑफ थ्री, चार इधर से आपने ले लिए कॉन्टेंट की वजह से और तीन आपको इससे मिल जाएंगे. और एन अटेम्प्ट विच कवर्स द गिवन पैसेज टू अ सफिशिएंट एक्सटेंट, मतलब ये जो क्राइटेरिया है इसको सफिशिएंट अटेम्प्ट के साथ आपने कर लिया, तो फिर आपने आपको टू नंबर्स मिल जाएंगे. एन अटेम्प्ट विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ द गिवन पैरामीटर्स बीइंग मेट, कि मतलब कुछ ग्रामर की भी गलतियां हैं, कुछ वोकैबुलरी की भी गलतियां हैं, तो आपको एक मिल जाएगा. और अगर बिल्कुल ही आपने जिस तरह कहते हैं ना कि उसका बेड़ा गर्क कर दिया, तो फिर आपको आधा नंबर मिलेगा, और बिल्कुल ही अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो आपको जीरो नंबर मिलेगा. तो अब आपको कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से ये चीज क्लियर हो गई होगी, समरी के हवाले से, कि समरी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है टाइटल की में एक नंबर पूरा किस तरह आता है, समरी में आपको जो सात नंबर हैं वो सात नंबर किस तरह डिवाइडेड हैं, चार नंबर कंटेंट के हैं, तीन नंबर ग्रामर के हैं, चार में से चार कब आएंगे, चार में से तीन कब आएंगे, चार में से दो कब आएंगे, चार में से एक कब आएगा, इसी तरह से जो आपके ग्रामर के तीन नंबर हैं उसमें से तीन में से तीन कब आएंगे, तीन में से दो कब आएंगे, एक कब आएगा, आधा कब आएगा, ये आपको अब क्या हो गया, क्लियर हो गया. उसके बाद हम आते हैं
जो आपके जो आंसर्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके उसमें क्या होता है, एन अटेम्प्ट विद द मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट एज पर द कॉन्टेक्स्ट एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, यानी कि अगर आपने टू द पॉइंट आंसर लिखा और उसमें आपकी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर और उसमें जो ग्रामर और जो उसमें जो लेक्सिकल एस्पेक्ट, लेक्सिकल एस्पेक्ट बेसिकली बोलते हैं वोकैबुलरी को, तो वो आपकी अगर सारी ठीक होगी तो आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे, और अगर उसमें मतलब कुछ ग्रामर की मिस्टेक्स हुई तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर ज्यादा मिस्टेक्स हुई तो 2 नंबर मिलेंगे, और अगर बहुत ही ज्यादा हुई तो फिर आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर शदीद मिस्टेक्स हुई तो वो आपको फिर क्या मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब 0 तब मिलता है, मतलब 0 देने के 2 ही तरीके होते हैं, एक तो ये कि आप उस क्वेश्चन को लिखें ही ना, आपको 0 नंबर मिल जाएगा, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप बिल्कुल 180 डिग्री पे बिल्कुल डिफरेंट चीज जाके आप लिखते हैं, यानी आपसे पूछा ये जा रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ के जो मतलब दोस्तों से मशवरा लेने का फायदा क्या होता है करियर काउंसलिंग के लिए, और आप उसके जवाब में लिखना शुरू कर दें कि भाई टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं और जिसकी वजह से जो है ना वो कैचअप जो है उसका रेट बहुत बढ़ गया है, तो ये एक ऐसा आंसर है कि जिस जो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, तो इसमें आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ उससे उसके अकॉर्डिंग आपने लिखने की कोशिश की है तो फिर वो आपको 4 में से 2 1 नंबर दे देता है। ठीक है, लेकिन 4 में से 4 लेने के लिए एन अटेम्प्ट विद द मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट एज पर द कॉन्टेक्स्ट एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर विद मैक्सिमम कमांड ऑफ ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स अगर आपका होगा तो फिर आपको 4 आउट ऑफ 4 जो है वो क्वेश्चन में से मिलेंगे। ऑलराइट, सो आवर डिस्कशन अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन इज कंप्लीट। ठीक है, आगे फिर वो सारी ये चीज जो है वो आपको बता रहा है कि आपने अपना कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से करना है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जिसमें हमारे पास पोएट्री एंड प्ले है, तो वो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पोएट्री एंड प्ले बोथ। आपके जहन में अभी इस कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन को लेके अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप वो यू स्टिल हैव 2 मिनट्स, यू कैन आस्क दैट यूजिंग दिस 2 मिनट्स। यस जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। इज दैट ऑल क्लियर? जी हसीब पूछें। जी हसीब बेटा पूछें। आई विल बी शेयरिंग दिस विद यू। ठीक है ना, ये सारे के सारे नोट्स हैं ना, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेंथ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा, लेंथ इट शुड नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ द पैसेज। ठीक है, एंड एज फार एज द क्वेश्चंस आर कंसर्न, तो क्वेश्चंस के जो आंसर्स की लेंथ है दैट शुड नॉट बी मोर देन 5 लाइंस, 5 to 7 लाइंस के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन में आप खुद से आप तब ऐड करें अगर आपको वो अलाउ करता है, अगर क्वेश्चन की नेचर आपको अलाउ करती है तो फिर आप उसमें खुद से ऐड करें। जिस तरह वो जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए जो उसमें फ्रेंड्स वाला क्वेश्चन था कि आपको फ्रेंड से और कोलीग से मशवरा लेने का क्या फायदा होता है, तो उसमें यू कैन ऐड, अदरवाइज यू कैन नॉट। इफ द आंसर्स आर शॉर्ट देन कीप इट शॉर्ट। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 to 7 लाइंस, मिनिमम जो है वो इट कैन बी 3 लाइंस। सो वी इन द लास्ट मिनट, लास्ट 1 मिनट ये सेशन अभी खत्म हो जाएगा, उसके बाद यू हैव टू ज्वाइन मी बैक अगेन यूजिंग द सेम लिंक, और फिर उसके बाद वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन नंबर 3। यस, विल टॉक अबाउट दिस कि कितनी मिस्टेक्स पे कितने नंबर कटते हैं।